मीडिया 24x7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। नमस्कार, मीडिया 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। शख्सियत बहुत सारी है, वो स्टाइल है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ करने पर आमादा कर दिया। मेरे साथ एक शख्सियत है जो चुनाव भी लड़े, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन कोर्ट में खड़े होते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती भी बंद कर देते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त ओखला में मौजूद हूँ, भास्कर कंपाउंड में, और मेरे साथ ऐसी एक शख्सियत है, असगर खान साहब। आपका खैर, स्वागत है। क्या कहें, वकालत तो आपने बहुत की, कोर्ट भी आपने भी पहना हुआ है, और वाकई में तो वकीलों से थोड़ा सा डर लगता है, डॉक्टरों की, कि जितना मामला ना पड़े उतना अच्छा है। लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान मैंने देखा कि आपने एक नई चीज शुरू की, बढ़ते कदम। ये कदम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, कचहरी की तरफ जा रहे हैं, समाज की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं और ये क्या है बढ़ते कदम? एक तो सबसे पहले आपने इब्तिदा में जो बात कही, मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दूं कि डॉक्टर और वकील की बात जी, सफेद कोट और काले कोट की बात आपने कही, तो बुजुर्ग कहते हैं कि वास्ता कड़वे नीम से ही पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला काले कोट से और सफेद कोट से बचाता रखे जी, लेकिन ये कि फिर वही बुजुर्गों की बात के वास्ता कड़वे नीम से ही पड़ता है, तो बस ये वही है, समझ लीजिए इसको, आप कड़वा नीम समझ के अपना लें या जैसे भी करें। लेकिन हाँ, ये भी सफेद कोट और काला कोट जिंदगी की एक अहम जरूरियात है, हकीकत है जी, जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, पेशा है। और मुझे लगता है ऐसा कि मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूं, इनिशियली आई वाज आल्सो इन सर्च ऑफ व्हाइट कोट। अच्छा, हाँ, बट गॉड गिफ्टेड मी ब्लैक कोट एंड आई थैंक्स टू गॉड टूडे। सन 85-86 में वकालत शुरू की और बाकायदा तौर पर मेरा 86 में रजिस्ट्रेशन हो गया जी। तकरीबन 34-35 साल मुझे यहाँ वकालत करते हुए हो गए। लॉकडाउन में नहीं, बल्कि मैंने 88-89 में इसको शुरू किया था, और जब से मैं इसको सब वक्त के साथ साथ करते चले आ रहे हैं, जैसे जैसे भी जितनी भी हमारी हैसियत और अल्लाह ने तौफीक दी, लोग खिदमत करते चले आ रहे जी। लेकिन हाँ, उस जमाने में हम बहुत ज्यादा, चूंकि वक्त रहता था, केसेस कम थे और प्रोफेशन में वक्त ज्यादा मिलता था जी, तो बहुत ज्यादा लोग हर रोज हफ्ते में एक बार दो बार ब्लड कैंप लगवा रहे हैं, डॉक्टरों कैंप लगवा रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, मैचेस करा रहे हैं, इस सारा कुछ ऐसा करते रहते थे जी। कि जब भी इंसान गिरता है तो आगे गिरता है जी, कभी ठोकर खा के पीछे नहीं गिरता, ठोकर खा के आगे गिरता है जी। लिहाजा ये कि कुछ ना कुछ समझ भी आती है। इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारी चीजें हमें नजर आई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो काबिल जिक्र भी नहीं कि इस पूरे बीमारी को लेकर हम उसको इन्वेस्टिगेट करें या उस पर नजर डालें पूरे तौर पर, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट भी नजर आया, फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट ऑल्सो। अच्छा भाई, जिस वक्त एक अजीब बात है कि जिस वक्त बैरिकेड करना चाहिए था इस बीमारी के लिए, उस वक्त बैरिकेड नहीं किया गया, बाहर से लोग आते गए, ये बीमारी यहाँ हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई, तो जिस वक्त बैरिकेड करना चाहिए था, सब चीज पहले से वाजे हो गई थी, उस वक्त गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो ये हम तो इसको यही मानेंगे कि ये फेल्योर है, उस वक्त करना चाहिए था। मैं तो लॉकडाउन को भी कहता हूं, जिस वक्त लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था या कुछ देर से करना चाहिए था, लोगों को मौका देना चाहिए था कि भाई आप लोग अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाए, दो दिन बाद तीन दिन बाद लॉकडाउन कर दिया जाएगा, तो उस वक्त नहीं किया गया, उस वक्त अचानक आलम सडन कह दिया आज रात से सब लॉकडाउन है, लोगों ने पलायन किया एक जगह से दूसरी जगह, जब बीमारियां फैल गई तो बीमारियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह गए, जिससे बीमारी के और ज्यादा बढ़ने का डर रहा। इस वक्त पे जब लाखों, जिस वक्त सैकड़ों की तादाद में केसेस थे या सैकड़ों से भी कम थे, गिनतियों की तादाद में थे, उस वक्त अचानक लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन जब आज लाखों की तादाद में केसेस इस मुल्क की सतह पर हैं, तो उस लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है, शराब की दुकानों को खोल दिया गया। कितनी बड़ी बदनसीबी है, हमारे मुल्क में
इबादत गाहों को बाद में खोला जाता है, शराब खानों को पहले खोला जाता है। और आप कह रहे हैं साहब कि इसलिए हमने खोल दिया कि साहब इससे जो है हमारे पास पैसा इकट्ठा होगा या हमारे पास उसका टैक्सेस आएगा। लेकिन क्या नहीं लगता कि ये जो लॉकडाउन का जो पूरा पीरियड है, ये जो भी चल रहा है, ये बहुत कुछ हमें सिखा गया, बहुत नए सबक जुड़ गए हमारी जिंदगी में कि कैसे जिंदगी को हम जी सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हमें दे चुका, जिसमें आपने भी ये बढ़ते कदम जैसे कई कदम शुरू किए। क्या ये यूं ना कहें कि जिंदगी की एक नई परिभाषा इस बीमारी ने न सिर्फ दिल्ली वालों को, न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को दे दी। बिल्कुल सही फरमाया। मैं इसी बात में आना चाह रहा था कि ये सारी चीजें इंट्रोडक्टरी आपके सामने रखकर और फिर इस पे आऊंगे। एनजीओ के ताल्लुक से भी, खास करके मैंने 89 में इसको शुरू किया, और हालांकि रजिस्ट्रेशन इसका अभी 6-7-8 साल पहले गई है जी, लेकिन हम उस पर तमाम स्टेट में और दूसरी जगहों पर और मुल्की सतह पर कुछ ना कुछ इस एनजीओ को लेकर बढ़ते कदम को अपने कदम बढ़ाते रहते हैं। और खासकर हमारे जहन में कुछ चीजें रहती हैं कि गरीबों पर नजर रखें, मुल्क की भलाई और मुल्क की फलाह और बका और मुल्क की तरक्की पर नजर रखें जी। और खासकर जो हमारा काम एजुकेशन पे और हेल्थ पे लेकर ज्यादा रहता है, तो ये तो एक चीज मैंने इसके वसीले से आपके सामने रखी एनजीओ के। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल और बहुत सही सवाल है कि वही जो हम ठोकर खा के आगे गिरे तो इसने हमें जिंदगी की परिभाषा बता दी जी। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ गई। मैं अपने दिल के दर्द की एक बात आपको बताऊं कि जब लोग बाहर जा रहे थे तो हम अपने एनजीओ के सिलसिले से यहाँ पे कुछ छोटा मोटा जितनी हमारी हैसियत थी और लोगों को साथ लेके सब लोगों ने हमें पूरा तवाउन दिया। उसके बाद हम लोगों तक तो खाना बांटने की कोशिश कर रहे थे, तो जब उसी में मैंने एक बार देखा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह रात को जा रहे हैं, मैंने पूछा ये लोग कौन है, तो पता चला ये वो लोग हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर का फासला पैदल सफर तय करेंगे। तो मैंने देखा उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, और बड़े बड़े बैग उनके कांधों पर रखे हुए थे। तो आप यकीन करें कि मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ और मुझे ये लगा कि बताओ ये हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे जो इनके साथ जा रहे हैं, जिसमें कि मैं खुद अपने लिए बताऊं कि वो इतने बड़े बड़े बैग मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कंधे पे रखकर 2-4 किलोमीटर भी नहीं चल सकता। तो मुझे पता ही चला ये सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करेंगे, हजारों किलोमीटर का फासला तय करेंगे। कुछ लोग पैदल गए, पैदल गए, साइकिलों से गए, और कुछ लोगों की रास्तों में मौत हो गई, रास्तों में चलते चलते मौत हो गई, कुछ हमला औरतों ने बच्चे रास्तों में दे दिए, और क्या क्या हुआ, रिटेड भी हुए उस पे, उन्होंने हमले भी किए, उन पर भी हमले हुए, क्या ना हुआ वो सब कुछ होता रहा। तो उस बात को लेके बड़ा मेरे दिल में दर्द हुआ, और मैंने अपने एनजीओ को खासकर डायरेक्शन दिए उन साथियों को कि नहीं हम यहाँ तो कॉलोनीज में जा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी हम पूरे तौर पे इंतजाम करें, और हाईवे पे जो पैदल जाने वाले लोग हैं उनको पानी, थोड़ा सा कुछ खाना है, बिस्कुट उनके बच्चों के लिए वहां पे मुहैया करें। और वो हमने कुछ ना कुछ कोशिश करी, थोड़ा बहुत जितना अल्लाह ताला ने कराया वो हमने उनके लिए किया, और अल्लाह ने कराया हमसे। तो मुझे तो ऐसे लगता है जो आपने बात कही, आपकी बात 100% सही है कि ये सब कुछ तो हुआ, एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे हमें अभी भी एहतियात रखना है। मुझे लगता है इसकी दहशत और इसका असर अभी कम से कम काफी महीनों तक रहेगा, या खासकर जब तक इसकी वैक्सीन पूरे तौर पर ना आ जाए तब तक तो ये सब एहतियातें रखनी ही पड़ेंगी और रखनी भी चाहिए। तो हमें सबको ये खैर एहतियात रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस की बात है, या साबुन से हर वक्त हाथ धोने की बात है, मास्क लगाने की बात है, सैनिटाइजर यूज करने की बात है, और तमाम एहतियात बिना जरूरत घर से बाहर जाने की बात है, बहुत सारी चीजें वो तो सब हमें एहतियात रखनी चाहिए। हम अपने तौर पर एनजीओ के तौर पर तमाम ये सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहते हैं और लोगों को एहतियात के लिए कहते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं। तो लेकिन ये आपके सवाल में जो बात छुपी थी वो बहुत अहम थी कि हमारी जिंदगी का मकसद हमें बता दिया। वाकई ये हुआ जिंदगी में पहली बार कि एक इतनी सी चीज को लेकर पूरी दुनिया में दहशत हमने पहली बार में देखी, कभी इससे पहले ये चीज देखने को नहीं मिली। हमने कभी ऐसा लॉकडाउन भी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। कितने घरों में मैंने ये देखा, चूंकि मैं तो वकील हूं तो इसलिए मुझे मजबूरन कोर्ट भी बीच बीच में कभी कभी जाना पड़ा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी हमने केसेस किए, तो सारे हालात का भी मायना किया, रास्तों से गुजर के उन बैरिकेड्स को, पुलिस वालों को, इन सबको भी देखा। और मैं खैर ऐसी बात नहीं है, हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं उन लोगों को
जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर पूरा साथ दिया है, जी जी, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का, पूरी आवाम का साथ दिया है। उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें डॉक्टर भी शामिल है, उसमें सफाई कर्मी भी शामिल है, बल्कि उसमें आवाम भी शामिल है अपने आप से, जिन्होंने उनका आपस में साथ दिया। हम अपने तमाम पुलिस कर्मियों को भी मुबारकबाद देते हैं, तमाम हिंदुस्तान के डॉक्टरों को भी मुबारकबाद देते हैं। मैंने खुद जा जाके देखा अस्पतालों में, उन्होंने अपनी जान पे खेलकर पूरे तौर पर लोगों के बीच में घुसकर कोरोना से जो संक्रमित लोग थे उनके पास जाके उनके इलाज किए, आउट ऑफ एरिया के, और खुद संक्रमित हो गए, खुद उससे वो इफेक्टेड हो गए। कितने पुलिस वाले थे जो पॉजिटिव आए, तो किस लिए आए, इसलिए कि उन्होंने अपनी नौकरियां निभाई। कितने मीडिया के भी लोग देखिए, कितने मीडिया के लोग बहुत सारे इससे इफेक्टेड हुए और वो पॉजिटिव आए, किस लिए, क्योंकि आपने भी लोगों के बीच जाके इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, लोगों तक पहुंचाने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहा और अपनी जान पे खेल के करना चाहा। जी जी। तो ये सब कुछ हुआ। हम इसके लिए मीडिया के भी तमाम लोगों को, आपको, आपके चैनल को और तमाम मीडिया के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। वकील साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक पूरा काले कोट का पेशा और उसके बाद ही बढ़ते कदम, ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, अभी बढ़ते कदम आगे बढ़ते रहेंगे या लॉकडाउन के बाद इसमें लॉक लग जाएगा? इंशाल्लाह, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से और अपने हुक्म से 89 से लेकर आज तक लॉक नहीं लगाया, जी जी, इंशाल्लाह कम से कम जब तक मेरी सांस में सांस है, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इस बढ़ते कदम में कभी लॉक नहीं लगेगा और ये कदम बढ़ते रहेंगे। ये काला कोट और ये बढ़ते कदम, अगर आप दोनों में तनाजा करना चाहें, अगर दोनों में अहमियत पूछना चाहें, तो मैं यही कहूंगा कि ये काला कोट और ये बढ़ते कदम, ये दोनों मेरी आंखें हैं, दोनों की अहमियत मेरे लिए बराबर है। तो ये राइट भी और ये लेफ्ट भी, दोनों से मैं देखता हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है, और दोनों मेरे लिए बराबर की अहमियत रखते हैं। तो कोरोना बीमारी और ये पूरा लॉकडाउन का जो सफर है, इसने कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है संदेश, मैसेज और सबक मुझे असगर साहब को, दिल्ली को, हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को दे दिया। और एक खूबसूरत शेर की शक्ल में मुझे याद आता है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो इसलिए इतनी अहम गुफ्तगू के बीच, इतने अहम शख्स के बीच मैं भी जरा फासले से बैठा हूं। उम्मीद है आप भी इस फासले को बरकरार रखेंगे ताकि बीमारी और आपके बीच का जो फासला है वो दूर रहे और आप एक खुशगवार, सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। अपना ख्याल रखें। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।